Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum everyone. I welcome you all in today's online session. My name is Nagi Rashid and the topic we are going to discuss today is conversion factor. Our today's topic is relevant to outline number three of the chapter number one, that is Avogadro's numbers and stoichiometry calculations. So today's topic topic basically stoichiometry calculations are relevant. Now, what is conversion factor? This is a very important topic. Kindly be vigilant. A statement has been given in your textbook that a ratio of coefficients found in balanced chemical equation which can be used to interconvert the amount of any two participants reactants or products is called conversion factor आई होप समझ नहीं आई आप लोगों को सो आई एम गोइंग टू इट पहले नंबर पे तो आप लोग ये देखें कि कन्वर्जन फैक्टर के नाम पर फोकस करें इट इज़ अ फैक्टर दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट वन वैल्यू टू एन अदर यानी आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी जाती है और उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप लोगों को रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी भी एक के नंबर ऑफ मोल्स या मैथ या कोई भी वैल्यू दे दी जाती है एंड यू हैव टू फाइंड रिस्पेक्टिवली मोल्स आर मैसेज ऑफ एनी अदर सब्सटांस तो आप कन्वर्जन फैक्टर को यूज़ करके गिवन वैल्यू से रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं द आइडिया विल बी मोर क्लियर वेन वी विल डिस्कस इट इन डिटेल सो हेयर इज एन एक्सप्रेशन फॉर कन्वर्जन फैक्टर सी एफ फॉर कन्वर्जन फैक्टर सो कन्वर्जन फैक्टर इज अ रेशो रेशो कहते हैं कोई भी चीज बटे में लिखी हो राइट सो इट इज अ रेशियो ऑफ यूनिट्स यू वॉन्ट डिड यूनिट्स यू हैव ऑल राइट इट कैन ऑल्सो बी टेकन एज द क्वानिटी डिजायर्ड डिवाइडेड बाई क्वान्टी गिवन यानी वो क्वांटिटी जो आप लोगों को चाहिए होती है उससे रिलेटेड डिटेल आप निनोमरेटर में रखते हैं और जो आपके पास गिवन होती है डाटा के अंदर उससे रेलिवेंट डिटेल जो है आप डिनोमिनेटर में रखते हैं राइट नाउ कन्वर्जन फैक्टर शुड ऑलवेज़ हैव वैल्यू इक्वल टू वन यू नीड टू रिमेंबर इट ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप फिलहाल जो है आ, देखें एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस देर एप्लीकेशन इन द अपकमिंग एग्जाम्पल्स इनशाला नाउ यू नीड टू रिमेंबर दट कन्वर्जन फैक्टर इज़ यूज टू इंटर कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वान्टिटी इसका क्या मतलब है सेम फिजिकल कोटिटी मीन्स इफ़ यू हैव अ वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वान्टिटी लेट स्पोज लेंथ आपके पास लेंथ है और लेंथ की वैल्यू आपके पास मीटर्स में है बट यू वांट दैट इन इन किलोमीटर्स आर मिली मीटर्स आप किसी दूसरी यूनिट में उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो भी आप कन्वर्जन फैक्टर को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको यूँ परसीव करें कि अगर आपको किसी एक चीज़ के नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है तो आप किसी दूसरी चीज़ के नंबर ऑफ़ मोल्स फ़ाइंड आउट कर सकते हैं राइट तो आप या फिर एक चीज़ का मैथ गिवन है तो आप दूसरी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का उस वैल्यू को यूज़ करते हुए मैस फ़ाइंड आउट कर सकते हैं यानी एक ही फिज़िकल क्वान्टिट्टी को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उसकी वैल्यू एक रिएक्टेंट के लिए गिवन है और दूसरे के लिए आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें अभी इंबिगवस होंगी बिकॉज यू आर हैविंग एन इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक एंड दोज विल बी मोर क्लियर वेन वी विल डिस्कस द एग्जाम्पल इंशाला सो डी स्टूडेंट्स ऑफ द कन्वर्जन फैक्टर इज़ अ मोल रेशो यू नीड टू रिमेंबर कि बहुत कन्वर्जन फैक्टर एक जनरल टर्म है और बहुत ज्यादा टाइप के कन्वर्जन फैक्टर्स होते हैं मोल रेशो मैथ्स रेशो एक्सेट्रा तो अगर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है एक रिएक्शन गिवन है डाटा गिवन है और आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी भी एक पार्टिसिपेंट के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ़ एनी अदर पार्टिसिपेंट्स तो आप उसके लिए जो कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करते हैं दैट विल बी टर्म डज मोल रेशो तो आप यूँ ले सकते हैं कि मोल रेशो इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ कन्वर्जन फैक्टर बहुत सारे कन्वर्जन फैक्टर की जो टाइप्स हैं उनमें से एक है मोल रेशो so mole ratio is a conversion factor that relates the number of moles of any two substances in a chemical reaction the numbers in the conversion factor mole ratio come from the coefficients of balanced chemical equation y the other conversion factor is a uh, mole ratio is a type of conversion factor अगर आपको किसी एक पार्टिसिपेंट के यानी कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक के नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है और आपने किसी भी और पार्टिसिपेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो जो कन्वर्जन फैक्टर आप यूज़ करेंगे दैट कन्वर्जन फैक्टर विल बी टर्म्ड एज़ मोल रेशो और कन्वर्जन फैक्टर्स की चाहे वो मोल रेशो है या मैस रेशो है उनकी वैल्यूज़ आप उस एक्सप्रेशन के लिए जो वैल्यूज़ यानी पीछे एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था क्वांटिटी ई डिज़ायर्ड ओवर क्वांटिटी गिवन तो उसके लिए जो वैल्यू होती है वो कहाँ से आती है आपके पास दैट ऑलवेज़ कम्स फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो याद रखें कि जब भी आपने कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करना है या यूँ कह लें कि मोल रेशो की जब आप बात करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन सो कन्वर्जन फैक्टर अगर मोल रेशो है आपके पास तो इस केस में कन्वर्जन फैक्टर के फार्मूला को आप स्पेसिफिकली लिखेंगे मोल डिजायर्ड ओवर मोल गिवन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एन एग्जांपल इन्वॉल्विंग मोल रेशियो एज कन्वर्जन फैक्टर सो डियर स्टूडेंट्स द स्टेटमेंट हैज़ बिन गिवन इन योर बुक दैट मैथेनल बर्नज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपकी बुक में गिवन है सी एच थ्री ओ एच इज़ अ फार्मूला फॉर मैथनोल O2 टू इज अ मेलेकुलर फार्मूला फॉर ऑक्सीजन और इन दोनों की कम्बस्शन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है प्लीज़ काइंडली डू फोकस ऑन दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर या मोल रेशियो जो आपने वैल्यू जिसकी फाइंड आउट करनी हो उसके लिए वैल्यूज़ जो हैं वो कहाँ से आती हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आती हैं सो इन दिस बैलेंसड केमिकल इक्वेशन टू मोल्स ऑफ मैथानोल दैट इज सी एच थ्री ओ एच आर रिएक्टिंग विद थ्री मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर मोल्स ऑफ वाटर ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसके अलावा गिवन डाटा में आपको ये गिवन है कि इफ़ थ्री पॉइंट फाइव जीरो मोल्स ऑफ मैथनॉल आर बर्नड इन द ऑक्सीजन अगर थ्री पॉइंट फाइव मोल्स मैथनल के ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो कितने मोल ऑक्सीजन के यूज़ होंगे और कितने मोल वाटर के प्रोड्यूस होंगे यानी यू हैव बिन गिवन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैथनल एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर राइट right? तो इस सलूशन के इस एग्ज़ाम्पल के दो होंगे एक पोर्शन में आप मैथनल के नंबर ऑफ़ मोल्स को यूज़ करते हुए ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे एंड सेकेंड पोर्शन में बाई यूजिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैथनल यू विल फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ठीक है और कौन सा कन्वर्जन फैक्टर यूज़ होगा याद रखें आप लोगों ने सिर्फ नोमरिकल प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल में इस चीज़ पे फोकस करना होता है कि व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड यहाँ पर आपको एक पार्टिसिपेंट यानी मैथनल के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं ऑक्सीजन के तो आप कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करेंगे मोल रेशो अगेन आपके पास मैथनल के नंबर ऑफ मोल्स हैं और आप वाटर के फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो अगेन यू विल यूज़ द कन्वर्जन फैक्टर दैट इज़ मोल रेशो तो हमारी इस एग्जाम्पल में जो कन्वर्जन फैक्टर यूज़ होने जा रहा है दैट इज़ मोल रेशो हैव अ लुक सो सोल्यूशन पार्ट ए में मोल्स ऑफ मैथनल आपकी गिवन क्वांटिटी थी दैट इज़ थ्री पॉइंट फाइव मोल्स एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपकी डिज़ायर्ड क्वांटिटी है जो आपने फाइंड आउट करनी है तो एक एक क्वांटिटी आपके पास गिवन है एक आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है तो आप लोग मोल रेशो को यूज़ करेंगे दिस इज़ द कन्वर्जन फैक्टर मोल रेशो इसमें क्वान्टिट्टी डिज़ायर्ड डिवाइड बाई क्वान्टिटी गिवन का मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है अब थ्री मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड टू मोल्स ऑफ मैथेनल कैसे पता चले फ्रॉम बैलेंसड केमिकल इक्वेशन ठीक है एक तो वो चीज़ है जो डाटा में आपको उसने दी हुई है थ्री पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ मैथनल लेकिन आप कन्वर्जन फैक्टर को फाइंड आउट करते हुए मैथेनल के दो मोल्स लिख रहे हैं थ्री मोल्स नहीं लिख रहे इसकी वजह यह है कि एक तो डाटा गिवन होता है आपके पास मगर कन्वर्जन फैक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हुए आप हमेशा कंसल्ट करते हैं बैलेंसड केमिकल इक्वेशन को एंड इन द बैलेंसड केमिकल इक्वेशन यू पीपल हैव बीन गिवन थ्री मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विच आर रिएक्टिंग विद टू मोल्स ऑफ मैथनल टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सो हेयर कम्स द कन्वर्जन फैक्टर अब आप लोगों के पास गिवन डाटा भी है और कन्वर्जन फैक्टर भी है आप इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अपने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट कर सकते हैं तो हेयर इज़ अ फॉर्मुला यू पीपल विल यूज़ यू विल यूज़ डिजायर्ड क्वान्टी जो आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं इज़ इक्वल टू गिवन क्वान्टी इन् टू कन्वर्जन फैक्टर प्यारे बचो दिस इज़ द सेम फार्मूला जो आपने कन्वर्जन फैक्टर के लिए पीछे यूज़ किया था कि कन्वर्ड कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू डिज़ायर्ड कोटिटी ओवर गिवन क्वान्टी तो आपने उसी को थोड़ा सा रीअरेंज रे करके उस फार्मूला को यहाँ पर यूज़ किया कि डिज़ायर्ड कोटिटी इज़ इक्वल टू गिवन कोटिटी इं टू कन्वर्जन फैक्टर अब डि डिज़ायर्ड कोटिटी तो है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो आपने फाइंड आउट करने हैं और गिवन क्वांटिटी आपके पास है जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया मोल्स ऑफ मैथनल जो थ्री पॉइंट फाइव मोल्स हैं और कन्वर्जन फैक्टर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं दैट इज थ्री मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टू मोल्स ऑफ मैथिनल सो यू विल पुट द वैल्यूज़ ओवर हीयर तो आप लोगों ने इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया है यहाँ पर आफ्टर दैट ये बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट है इसको गौर से देखें कि इस फार्मूला में जो लिखा हुआ है थ्री पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ मैथनल इंटू टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई टू मोल्स ऑफ मैथनल तो ये जो स्टेटमेंट है मोल्स ऑफ मैथनल उसको आप काट देंगे आपस में मोल्स ऑफ मैथनल से ये देखें इन दो स्टेटमेंट्स को आपने काटा है वैल्यूज एट इज एज इट इज ही हैं और ये वैल्यूज़ आप लोग फिर नीचे लिखेंगे हेयर यू गो थ्री पॉइंट फाइव इंटू थ्री डिवाइड बाई टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इन दिस वे by calculating you will get an answer 5.25 moles of oxygen so this is how you people um, gets a value for the uh, number of moles of oxygen by using the concept of conversion factor that is mole ratio now coming towards the part b वेयर अगैन आपके पास मैथनल के नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे एज अ गिवन क्वांटिटी बिकॉज ये वाद एक ऐसा डाटा में गिवन वैल्यू थी uh, जिसको आप यूज़ कर सकते थे एंड इन द सेक्शन बी यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर दैट इज़ यूर डिज़ायर्ड क्वांटिटी सो कन्वर्जन फैक्टर इसके लिए होगा जिस चीज़ को आपने फाइंड आउट करना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप ऊपर रखेंगे और जो गिवन है डाटा में उसके नंबर ऑफ़ मोल्स को आप नीचे रखेंगे लेकिन ये वैल्यू कहाँ से आएगी फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो आप देखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में चार मोल्स वाटर के बनते हैं बाय द बर्निंग ऑफ टू मोल्स ऑफ मैथनल विद ऑक्सीजन तो आपने अपनी जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन न्यूमिरेटर में रख लिए और जिस जो वैल्यू आपको गिवन है डाटा में उसके नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने डिनोमिनेटर में रख लिए now again by using the same formula you will put the values you will uh, cut the statement that is number of methanol with the number of methanol and hence you will get this uh, this uh, value and after calculation you will get an answer 7 moles of water so that is all about conversion factor for today these students here is a self check 1.1 अमोनिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटीरियल इन द मैनिफैक्चर ऑफ फर्टिलइजर्स इट इज़ ओपटेंड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एज शोन बाई द फॉलोइंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप देखेंगे यहाँ एक मोल नाइट्रोजन गैस का थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके टू मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करा है और आपको पूछा किया जा रहा है कि हाउ मैनी मोल्स Of the following are required to manufacture five moles of ammonia. You have been given the moles of ammonia or apne moles of nitrogen or moles of hydrogen find it. Solve ki hai. So kindly follow that example and update me with the feedback. So that is all for today. Thank you so much. Here is a quote of the day intelligence plus character, that is the goal of true education. Thank you so much. Stay blessed. Stay safe.